हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है लीनियर इक्वेशन। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जो इस तरह के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जाती है, ax plus by plus c equal to 0, जहां पर x और y दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसका नाम होता है लीनियर। और क्योंकि यहां पर x और y जो है वो एक तरह से वेरिएबल की तरह काम करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम चर, तो इसलिए यहां पर ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। एक वेरिएबल वाली इक्वेशन भी हो सकती है अगर हम इस तरह से लिखते हैं ax plus c equal to 0, तो यहां पर पावर 1 है लेकिन वेरिएबल कितना है, एक ही है, तो इसको कहते हैं हम वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और इसको कहेंगे हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर जो a b c है वो बेसिकली रियल नंबर्स है, पहली चीज। और दूसरा, a और b cannot be 0, अगर a और b 0 होंगे तो ऑब्वियस है कि भाई कांस्टेंट इक्वल टू 0 को भी पॉसिबल होता नहीं है। तो पहला ये चीज है कि भाई लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा धीरे करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2x plus 3y equal to 5 और 3x plus 5y equal to 7, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। तो 2 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं 5 से तो कितना आएगा, 10, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 9, और दोनों को करना है माइनस और जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद क्या लिख देना है, x। उसके बाद इक्वल टू में, तो इक्वल टू में क्या होगा, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना आएगा, 25, और 7 को किया तो माइनस का, फिर से दोनों के बीच में क्या साइन लगाना है, माइनस। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 25 माइनस 21 इज 4 और 10 माइनस 9 1 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब दूसरा तरीका हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पर x की वैल्यू अगर यहां 4 रखते हैं तो y की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब y को कैसे डिफाइन करना है हमें, तो y के लिए हमें क्या करना है, y के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। तो 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 7 into 2 is 14 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15, और दोनों के बीच में फिर से क्या साइन लगा देना है, माइनस। इधर की तरफ क्या लिखना है, ऑब्वियस हम किसके लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, y के। अब यहां पर y के मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जैसे x का कोफिशिएंट 10 माइनस 9 के थ्रू क्या आया, 1, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1, तो 1 into y will become y, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से इजीली वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3x plus 4y equal to minus 7 and x plus 2y equal to 4, अगर इस ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 into 2 6, 1 into 4 4, दोनों के आगे क्या लगा दिया, x, 7 into 2 into minus 7 minus 14, 4 into 4 16, उसके आगे क्या साइन लगाना है, माइनस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद y के लिए क्या करना है, y के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को, सॉरी इसको 3 को 4 से, जैसे हमने यहाँ किया था 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 को 3 से, और 7 को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, 2 से, यही किया था हमने y के लिए। तो पहले 7 को यानी 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और फिर माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 आएगा, और बीच में ऑलरेडी क्या होता है, माइनस, और यहाँ लिख दिया हमने y। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट क्या लिख देना है, 2, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19 अपॉन 2। तो इस तरह से हम इजीली दो वेरिएबल वाली अगर कोई इक्वेशन आती है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, x plus 3y equal to 5
और 2x plus y equal to minus का 3. तो जैसे हमने यहाँ पर किया था 2 को 5 से तो 1 को 1 से that will become 1. फिर हमने क्या किया था 3 को 3 से यानी 2 को 3 से that will become 6 और बीच में क्या साइन लगा देना है माइनस मल्टीप्लाई में क्या लिख देना है x. ठीक है उसके बाद में हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था 5 से तो 1 into 5 will become 5 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया था 3 को माइनस 3 से तो माइनस 9 और बीच में भी माइनस साइन होता है तो यहाँ माइनस 5x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 5 14 x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 14 अपॉन 5. नेक्स्ट अब y के लिए हमें सॉल्व करना है तो y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ठीक है और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से यानी पहला वाला जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस 3 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 और बीच में क्या आता है माइनस साइन यहाँ लिख दिया y. अब y में जो x का कोफिशिएंट कितना आया था माइनस 5 तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 13 तो y की वैल्यू क्या आ गई 13 अपॉन 5. तो इस तरह से कोई भी अगर दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आती है तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक बार फिर से समझ लेते हैं अगर इस तरह से पैटर्न आता है तो पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9 दोनों बीच में क्या साइन लगाना है माइनस और क्योंकि हम पहले x के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई में क्या लिख देना है x. उसके बाद में जब हम जाएंगे इक्वल टू में तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 25 7 को 3 से करेंगे दैट विल बिकम 21 दोनों के बीच में क्या साइन लगा देना है माइनस 25 माइनस 21 इज 4 10 माइनस 9 इज 1 तो x की वैल्यू आ गई. अब y की वैल्यू के लिए जब जाएंगे हम तो y की वैल्यू के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 7 दैट विल बिकम 14 5 * 3 दैट विल बिकम 15 दोनों को माइनस किया माइनस करने के बाद में यहां पर y लिखा ध्यान रखना ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं ये इक्वल टू में जाएगी y अकेला आएगा y के साथ कौन सा कोएफिशिएंट लिखना है जो x का आया था तो x का क्या आया था 1 तो y का भी क्या आ जाएगा 1. तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में हेल्प कर सकती है. थैंक यू वेरी मच.